बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से ठीक ठाक किचन फाइन होंगे। हम भी अल्लाह के करम से हर हफ्ते से हैं। आज एक बहुत खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करना था, तो इसलिए हाजिर खिदमत है अगेन। और ये जो है हमने फ्रंट कॉलर बनाना है आज, और ये किस तरह से बनता है इसका बहुत बहुत आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ जनाब हमने सबसे पहले लेना है शर्ट की फ्रंट साइड, इसको अच्छे से आयरन कर लीजिए और यहाँ से 3 इंचेस आप मार्क कर लीजिए। जो हमें नेक लाइन लेनी है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। और यहाँ से सिर्फ 2 इंच लेंगे, ठीक हो गया। आप बिगिनर हैं तो काइंडली आप जो है तो मार्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा चॉक का। एक्चुअली मैं ना वीडियो बना रही होती तो बस झटपट से कैमरा ऑन किया और बस बना लिया जैसे मैं रूटीन में बना रही होती। तो यहाँ जनाब आपने जो नेक लाइन हमने कट कर ली उसको साइड पर कर देंगे। और यहाँ पर हमें जो है मैंने यहाँ पे ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है जो थोड़ा सा डार्क कलर में था शर्ट की नस्बत। तो यहाँ पे हमने जो पट्टी तैयार करनी है ना, आप अगर ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ 1 इंच का जो है ना सामने नज़र जो आएगा वो 1 इंच का होगा, इसलिए मुझे 1.5 इंच रिक्वायर्ड होगा एक साइड के लिए। तो उस हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक कटिंग की थी। ये जो कपड़ा मुझे रिक्वायर्ड है ये 2.5 इंच है, बराबर कट कर लेंगे। साथ में मैंने ये उरेब पट्टी ली है, इसलिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कॉलर वगैरह जब भी कोई राउंड चीज़ बनाए ना तो उसके लिए उरेब पट्टी ही लिया करें। मैंने ये फैब्रिक भी उरेब में लिया है और मैंने ये ब्लैक बुकरम यूज़ की है, जो जिसे हम पेपर बुकरम कहते हैं, बारीक वाली है ये। और इसको भी मैंने उरेब ही कट करना है और इसको मैंने उस पट्टी के नस्बत आधा कट करना है, ठीक हो गया। अगर ये मैंने 2.5 इंच ली है तो यह मैं यहाँ पर ना 1.25 इंच पर लूँगी इसको। मार्क कीजिएगा काइंडली और मार्क करके कटिंग कीजिएगा सिंपल। बहुत ही आसान तरीका है ये इसको बनाने का और ये बहुत ही एलिगेंट लगता है पहना हुआ, मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने सोचा इसका वीडियो शूट कर लेते हैं साथ में। यहाँ अब आपने सिंपली पट्टी को पहले फोल्ड कर देना है जो हमारा कपड़ा है, ठीक हो गया। उसके बाद उसके ऊपर उसके बीच में हमने सेंटर से जो है उस बुकरम को रखना है और इसको हमने ना सिंपली इसको इसके साथ चिपका देना है। और ये बहुत आसान बहुत अच्छा तरीका है। आप पहले फैब्रिक को फोल्ड करें सेंटर में से, तो फिर ये आपकी ना बिल्कुल सीधी सीधी लगेगी बुकरम, ठीक हो गया, आगे पीछे नहीं होगी। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, जो एक्स्ट्रा बुकरम होगी, फिर हम इसे कट कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके आप हिसाब से ना थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, कम होगा तो फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा होगा तो डजंट मैटर, हम कट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली अपनी शर्ट की बैक साइड लेनी है, इसके ऊपर हम फ्रंट साइड को बिछाएंगे और सिंपली जो है तो सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले कंधे ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद बाकी की कटिंग और बाकी का काम। अब आपने यहाँ क्या करना है, कमीज़ के दोनों पल्लुओं को अलग कर दें और जो बैक साइड है ना उस पर हमने कटिंग करनी है, क्योंकि फ्रंट साइड से हम नेक लाइन को बहुत छोटा रख रहे हैं, बिल्कुल ये हमारी गर्दन के साथ चिपका हुआ होगा, इसलिए बैक साइड से नहीं आपको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा ताकि आपके सर से जो है आसानी से उतर सके, ठीक हो गया। यहाँ हम कट लगा लेंगे, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये सिंपली मैंने कट लगा लिया है, बाकी मैं डीप कोई कट नहीं लगा रही हूँ बैक साइड से, क्योंकि ये खड़ा खड़ा अच्छा लगता है बैक साइड से, गर्दन के साथ चिपका हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो अब यहाँ से आपने बैक साइड से इसको रखना है और जो बुकरम वाली साइड है उसको हमने बाहर की तरफ रखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे सिंपल, बिल्कुल सिंपल सीधी एक ही सिलाई एक पेड़ के पास से लगाते जाएंगे हम। जहाँ से हमने बैक साइड पे कट लगाया ना वहीं पे हम इसको रखेंगे, फिलहाल कोई फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी उसको हम कैसे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल लगाना है यहाँ पे टांग का, और इसको हमने जो है तो राउंड घुमाते जाना है और सिंपली सिलाई लगाते जाना है। जितना कम फेब्रिक देंगे आप राउंड घुमाते हुए उतनी ही ज़्यादा नीटनेस आती है इसमें, बस एक पैर के फासले जितना कीजिएगा। इसे ओवरलॉक ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें खूबसूरती जब भी आएगी, ठीक है, सफाई भी आएगी। मैं सिलाई कम्प्लीटली इसलिए दिखा रही हूँ जो बिगिनर्स होते हैं फिर उसको उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई ये कैसे हो गया,
तो जब मैं सीख रही होती थी तो मुझे इन चीज़ों से गुजरना पड़ा है, तो इसलिए मैं जो है तो कोशिश करती हूँ देखने वालों के लिए आसानी हो। अब यहाँ पे जो फैब्रिक हमने जो पट्टी तैयार की थी वो काफ़ी एक्स्ट्रा है, इसको हमें सिंपली कट कर देना है। यही बात थी कि इसको छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ी बेशक हो कोई मसला नहीं। अब यहाँ हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम बैक साइड के लिए दो पट्टियाँ तैयार कर लेंगे और इनको हमने ना सिंपली यहाँ से आगे से फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके के साथ, और यहाँ पे हमने सीधी सिलाई लगानी है नीचे की तरफ, और जहाँ पे मैंने इसको रखा है ना वहाँ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, आपने देखा होगा, ठीक होगा। यहाँ हमने सिलाई को पक्का कर लेना और एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे। अब अगेन यहाँ पे हमने इसको फोल्ड करके रखना है, फिर उसके बाद ये सिलाई लगानी है जब भी खूबसूरती आएगी, ठीक हो गया। बिल्कुल बराबर इसके हमने यहाँ पे कट करना है, सिलाई इसके बराबर तक लानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। दोनों साइड्स पे सिंपली हमने ये लगा लिया और उसके बाद कट लगा लिया। उसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है, ये देखिए खूबसूरती खुद ही आ गई, ठीक। इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये अंदर की तरफ एक पट्टी ऊपर आ जाएगी, एक अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे जिस इस तरह की नेक लाइन की मैं वीडियो ऑलरेडी शायद डाल चुकी हूँ, फ्रंट साइड पे मैंने बनाया था, पट्टी बनाई थी इस तरह से, और ये बहुत खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे हमने सिंपली सिलाई लगानी है दोनों पट्टियाँ ऊपर नीचे रखते हुए, और जो फैब्रिक हमने छोटा सा कट किया था ट्राइंगल वो भी हम इसके बीच में सिलाई में रखेंगे। और ये देखिए ये हमारी खूबसूरत सी नेक लाइन हो चुकी है तैयार। अब यहाँ पे इसको ओवरलॉक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं हाथ की सिलाई करूँगी यहाँ पे, लेकिन ओवरलॉक ज़रूर करवाइएगा। तो यहाँ मुझे शूट करना था इसलिए मैंने ओवरलॉक कर दिया था, और उसके बाद मैंने इस पर बटन लगा दिए थे। आपने ओवरलॉक लाजमी करवाना है, ठीक हो गया। तो ये देखिएगा इसकी फाइनल लुक। सुबह सुबह का वक्त है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आपको सुनाई दे ही रही होंगी। इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग एक्चुअली। खैर, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो बताइएगा ज़रूर, नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, और दुआ में याद रखिएगा, अपना आते प्यारों का रखिएगा, जेर ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।